नमस्कार, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से कविता अग्रवाल। चैप्टर 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ रहे थे। मैंने अपने पहले इसके पूर्व जो लेक्चर था उसमें ये बताया था, पीएन संधि डायोड जब अनबायस्ड है तब क्या स्थिति होती है। आज हम उसकी बायसिंग फॉरवर्ड, जब उसको बायस किस तरह से किया जाता है, और पीएन संधि डायोड को फॉरवर्ड बायस करने पर किस तरह से धारा प्रवाहित होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार पहले जो पुराना पढ़ाया था, अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, मीन्स हमने बाहर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है, और पी टाइप और एन टाइप को जब हमने फ्यूज करके जब ये पीएन संधि डायोड बनाया, तब हमने देखा कि किस तरह से संधि के दोनों तरफ एक अवक्षय परत, यानी यहाँ पर कोई फ्री होल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित नहीं है संधि के दोनों तरफ। इस क्या उपस्थित है, यहाँ पी टाइप में इमोबाइल नेगेटिव चार्ज आयन्स हैं और इधर इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज आयन्स हैं, तो ये अवक्षय परत बन जाती है, और इसकी वजह से यहाँ से होल संधि को क्रॉस नहीं कर पाते और इधर से फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो संधि को क्रॉस नहीं कर पाते। अब अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस किस तरह से करेंगे, ये जो पीएन संधि डायोड है इसका अगर हम पी टाइप को बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर दें और एन को बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दें, तो ये कहलाती है फॉरवर्ड बायसिंग अग्र बायस। डायोड को हमने क्या किया, अग्र बायस किया। अब जब डायोड को अग्र बायस करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जैसा कि पी में होल्स की अधिकता है और एन में इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, जब हमने इसको पी को बैटरी के प्लस से कनेक्ट किया तो ये होल्स जो हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज हैं, तो यहाँ और इधर क्या है, इस एन को हमने बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर रखा है, तो इन होल्स को अट्रैक्ट करेगा ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, तो होल्स जो होंगे वो जंक्शन को क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है ये अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन को क्रॉस करेंगे। इस तरह से पी से निकल के, पी से होल्स निकल के एन टाइप में प्रवेश करेंगे और एन से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के संधि को क्रॉस करके इस पी टाइप में जाएंगे, तो होल्स का मूवमेंट इस तरह से होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एन से पी में जाएंगे, ठीक है। तो इसकी दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन की के मूवमेंट और होल के मूवमेंट दोनों की वजह से धारा प्रवाहित होगी। धारा की जो दिशा होगी इस पीएन संधि डायोड में वो वही होगी जो होल्स जिस दिशा में बह रहे हैं, होल पी से एन में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये धारा की दिशा होगी। अच्छा, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से जो धारा प्रवाहित होगी वो दोनों की एक ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एन से पी में जा रहे हैं, धारा की दिशा इसकी विपरीत होगी, मतलब पी से एन, तो दोनों की वजह से डायोड के अंदर धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल के वजह से भी, तो टोटल करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रॉन की गति की वजह से करंट हो रहा है, और प्लस होल करंट। अब क्या होता है अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ प्लॉट करें, ये वोल्टेज V को वेरी करके करंट की वैल्यू हम नोट करें, तो पहली बात फॉरवर्ड करंट जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है। हम देख रहे हैं कि शुरू में अप्लाई वोल्टेज हमने जब जीरो, बाहर कोई करंट अप्लाई वोल्टेज नहीं किया है, तो जीरो वोल्टेज पे जीरो करंट है। अब हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई कर भी दिया है, फिर भी करंट प्रवाहित नहीं हो रहा है, और एक निश्चित वोल्टेज के बाद में ही करंट बहने लगता है, और जैसे जैसे हम इसका मान और इसके आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। ये जो वैल्यू होती है वोल्टेज की, इसे कहते हैं कट इन वोल्टेज। इस कट इन वोल्टेज का जो मान होता है जर्मेनियम डायोड के लिए करीब 0.2 वोल्ट होता है, और सिलिकन के लिए ये 0.6 वोल्ट होता है। ये कट इन वोल्टेज क्यों होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको पहले कि ये जो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया है, तो जब तक अप्लाइड पोटेंशियल की वैल्यू, अप्लाइड फील्ड की वैल्यू इस VB से ज्यादा नहीं होगी, तब तक
तब तक धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये इसी वजह से इसे ये कट इन वोल्टेज जो है हम देख रहे हैं कि जब तक अप्लाइड वोल्टेज इससे कम है तब तक धारा जीरो है, जैसे ही अप्लाइड वोल्टेज का मान इससे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे और फिर एक इनकी डायोड करंट की इक्वेशन किस तरह से होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.